झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये कार्यक्रम 1 महीना चलेगा। आधे अधिकारियों की ट्रेनिंग दुमका में और बाकी की ट्रेनिंग रांची में चल रही है। मंडल निर्वाचन विभाग ने औपचारिक रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। झारखंड को 2 हिस्सों में बांटकर 2 सेंटर बनाए गए, एक रांची दूसरा दुमका। आसपास के क्षेत्रों में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग की जा रही है और रांची में झारखंड के बाकी तमाम जिलों से असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स को बुलाकर ट्रेनिंग शुरू हो गई है। कर्मियों को हम लोग व्यापक रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने 1 महीने का ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया है जिसका आज से शुरुआत हुआ है। और इसमें सर्वप्रथम एआरओस को हम लोग 2 बैचेस में 2 जगहों पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, आधे को यहाँ आधे को दुमका में, जो दुमका प्रमंडल आसपास के जिले हैं वहाँ उनको उनके एआरओस को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 23 सितम्बर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगा। हर 3 दिन में एक सेशन बदल जाएगा और नए अधिकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे। ट्रेनिंग में चुनाव के आधुनिक तौर तरीके, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान और तरह तरह के मोबाइल एप्स और उसके इस्तेमाल के तरीकों पर विस्तार से तकनीकी विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं। स्क्रूटनी, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कैसे करना है, कैसे उसका रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान जो हो गया, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, काउंटिंग का प्रोसेस, पोस्टल बैलेट, ETPPS नया कॉन्सेप्ट है, कई सारे जो ऐप्स हैं IT के ऐप्स हैं, सी विजिल, सुगम सुविधा, तो ये सभी के बारे में हम लोग इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और चुनाव की तैयारियों की अहम कड़ी के तौर पर पहले ही मतदाता सूची को अपडेट करने का काम चल रहा है। अब AR और RO ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो गए। अगले 23 अक्टूबर तक मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका होगा और तब कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। झारखंड के चुनाव में भले ही अभी थोड़ा समय हो लेकिन मंत्रिमंडल निर्वाचन कार्यालय ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पहले और अब में चुनाव के तौर तरीकों में बड़ा फर्क आ गया है, जिस फर्क को चुनाव कराने वालों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 रांची।